हाय फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास किटन है और उसके मम्मा को मिल्क नहीं आ रहा, तो आप उसको क्या खाने के लिए, मतलब कौन से फूड से स्टार्ट कर सकते। तो मैंने यहाँ पे किटी स्टार का ये फूड सप्लीमेंट लिया है। ये मुझको 350 में मिला है, 300 ग्राम। इससे छोटा नहीं है, सिर्फ 300 ग्राम से ही स्टार्ट होता है। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कौन सा भी सप्लीमेंट पहले किटन को स्टार्ट करोगे तो वो लूज़ मोशन करेगा, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना। और ये कैसे देना है ये बताती हूँ। इसके लिए पहले आपको गर्म पानी करना है, वो लुक मोर जब होगा तो उसमें ये 10 ग्राम डाल के उसका पेस्ट बना लेना है और वो प्लेट में फीड करना है। लेकिन अगर आपका कैट किटन वो प्लेट में नहीं खा रहा, तो उसके लिए आपको ऐसी बॉटल मंगवानी है। मैंने ये अमेजोन से ली है, मेरा भी किटन प्लेट में नहीं खा रहा था इसलिए मैंने ये बॉटल ली है। इसके साथ मुझको ये ब्रश और ये एक्स्ट्रा वाला ये निप्पल मिला है। मैं इन दोनों की लिंक आपको अमेजोन मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये किटी स्टार्ट का फूड मतलब मुझको ये हमारे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था किटी स्टार्ट का, क्योंकि उसके मम्मा को मिल्क नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये ऑर्डर किया है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझको कमेंट कर देना। मेरा किटी तो ये खा रहा है, आपका भी किटन खाएगा, क्योंकि अभी इसका स्मेल भी थोड़ा थोड़ा मिल्क के जैसे ही आता है। आपको किटन को बाहर का कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ सप्लीमेंट आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट करके सिर्फ सप्लीमेंट ही उसको खाने के लिए देना है उसके मम्मा के मिल के बाद। नहीं तो आप ऊपर का उसको कुछ मत, चिकन वगैरह तो मत खिलाए, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए आप उसको किटी स्टार्ट का या फिर कोई भी सप्लीमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो ही सप्लीमेंट आप स्टार्ट करें। नहीं तो आपके आपका किटन मर भी सकता है, आपने अगर कुछ खिलाया, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसका पेट फूल जाएगा और फिर वो डेड हो जाएगा। इसलिए आप कुछ भी खिलाएंगे तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए और फिर उस किटन को दे देना। थैंक यू।